जानी दर्शी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत जी। लुधियाना के गुलमोहर होटल के वड्डी एग्जीबिशन लगाई गई है 20-21 मई और रॉयल इंपैक्स कंपनी के वलों एक इंपोर्टेंट मार्बल और होर भी बहुत कुछ है तो आओ जान लें गलबात कर लें कि एग्जीबिशन के होर की है। मेरा नाम संजना कुमार है, मैं रॉयल इंपैक्स के लिए पूरी मार्केटिंग संभालती हूँ। आई एम ऑल्सो दी ओनर ऑफ द कंपनी। हम लोग 25 साल से मार्बल इम्पोर्ट कर रहे हैं। आज की डेट में हम 30 कंट्रीज से मार्बल इम्पोर्ट करते हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ कलर्स में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ कलर्स डिस्प्ले भी किए हुए हैं। हमारे फैक्ट्री सेटअप जो सिलवासा में है वहाँ पर लगभग 300 कलर के मार्बल आपको दिख सकते हैं। हाँ जी, मैं आदित्य अग्रवाल हूँ, मैं कंपनी का ओनर हूँ। हम एक फैमिली बिजनेस है जो ट्रस्ट के बेसिस पे काम करते हैं। आपको बहुत अलग अलग टाइप के स्टोन्स, इम्पोर्टेड मार्बल, अलग अलग फिनिशेस, बहुत सारे रेंज के पत्थर देखने मिलेंगे। हर रेंज के, जैसे मैं बता रहा हूँ, बेज, ग्रे, वाइट, सब पत्थर आपको एक वैरायटी पूरी कवर होती है। नेचुरल प्रोडक्ट है तो कोई फ्लॉ नहीं है, कोई कमी नहीं है स्टोन के अंदर में। टाइल से मच बेटर है और लंबा चलने वाला पत्थर है। तो सर, जैसे कि और भी काफ़ी कुछ जैसे कि दिखने को मिल रहा है कि मार्बल टाइल्स के वगैरह, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी दी। देखिए, कोई भी, मैं पत्थर की बात नहीं करता हूँ, बट नेचुरल जो प्रोडक्ट होता है, जो कुदरती देन होती है, वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग, लंबा चलने वाला प्रोडक्ट होता है, ना कि बनावटी है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज मिलती है हमें, जो आपके घर को जो लंबा चलाता है, घर को लंबे तरीके से रहता है, और जब मेंटेन करते हैं उसके लिए नेचुरल कोई भी चीज़, ना कि पत्थर, चाहे वो लकड़ा हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो रेती सीमेंट हो, तो जितना नेचुरल कंपोनेंट यूज़ होता है उतना घरेलू और उतना लंबा घर रहता है। बहुत तरह तरीके से डिज़ाइन है, बट ये सब कुदरत की देन है, जो भगवान ने सालों पहले जो धरती में जमा किया है सारी वही चीज़ है। कोई भी इंसान ने बनाई हुई चीज़ नहीं है, हमारा सिर्फ काम है वो इंसानों तक पहुँचाना। और तरह तरह के से लोग पूरी दुनिया घूम घूम के हमने एक एक पत्थर चुन के हमारे यहाँ पे कटिंग करते हैं, पॉलिशिंग करके, प्रोसेस करके पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। वारंटी वगैरह भी होती है सर? नेचुरल प्रोडक्ट की तो ज़िंदगी भर की वारंटी है। हाँ जी, थैंक यू। इस दे नाल नाल इस एग्जीबिशन दे विच होर भी बहुत कुछ ही देखने को जिस तरह मिल रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइनिंग दे लई जिहड़े शोरूम इत्थे लगाए गए हैं। और तुहानू दस दिन सुप्रीमो जिहड़ा पाइप सोल्यूशन टोटल आपां जिहड़ा तुहानू आइटमां दिखा रहे हैं इन्हां नाल गलबात कर लैंदे हैं, जानकारी ले लैंदे हैं। हाँ जी सर, शरद यादव सर, आपका स्वागत है सुप्रीम के इस काउंटर पर। सुप्रीम आज की डेट में बहुत लेटेस्ट प्रोडक्ट लेकर आया है, जिसमें पैक्स पाइप हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट है, एसटीपी है हमारे पास में, रेडीमेड सेप्टिक टैंक्स हैं, रेडीमेड अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम्स हैं, कंप्रेशन फिटिंग्स हैं, सारी फिटिंग्स आज की डेट में अगर आप बात करें तो बिल्डिंग में आई। अभी कंपनी ने एक पैक्स पाइप लॉन्च किया है हमारे प्लम्बिंग वर्क के लिए, इसमें आप कंप्रेशन फिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिम्पिंग टाइप की, और एक कंप्रेशन फिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड टाइप की फिटिंग्स आती हैं जिसको आप बिल्डिंग्स में लगा सकते हैं, पोर्टेबल वाटर के लिए यूज़ किया जा सकता है, -15 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पाइप हमारा। अच्छा, अक्सर क्या होता है जैसे कि पाइप जैसे आम जैसे हर घर में यूज होती है, तो उसको जैसे ख़राब होती है, जंग लग जाता है, गल जाती है, कुछ ऐसा कोई इसकी कोई लाइफ इसकी कितनी इस, सर वो कोरोजन जो होता है वो हमेशा मेटल के पाइपों में होता है। इसमें एल्युमिनियम की जो कोटिंग कर रखी है इसमें वॉल में, उसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर पानी तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होता है और मेटल कोरोड नहीं होता है। इसकी लाइफ आप 50 to 80 ईयर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। आप इसको फ्लोर में भी डाल सकते हैं और इसको कई बार पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर में, रेडिएंट हीटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग्स जो हमारी ठंडी हो जाती हैं उनको गर्म करने के लिए भी बॉयलर साथ में रेडिएंट हीटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये आज का लेटेस्ट प्रोडक्ट है, पैक्स क्रॉस लिमिटेड पॉलीएथिलीन मटेरियल से मैन्युफैक्चर्ड है। ये इसके लिए बैंडिंग के लिए टूल्स आता है सर, इसमें फिटिंग्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग को आप डालते हो तो पूरा उसको टर्निंग करके साथ में इजीली आप मोल्ड कर सकते हो अपनी जरूरत के पाइप के साथ। सर, आपके पास और क्या क्या प्रोडक्ट है उसकी जानकारी, जैसे वाटर टैंक वगैरह भी देखने को मिल रही है, तो और भी क्या क्या सर वो भी हमें बताएं। कंपनी ने फायर फाइटिंग का पाइप बनाया हुआ है,
ये फायर फाइटिंग पाइप जो है बिल्डिंग्स में जो हम लोग एमएस के पाइप लगाते थे उसको रिप्लेस कर रहा है। अभी क्या है कि सीपीवीसी मटेरियल में बनाया गया है इंच सीरीज में, इसके साथ में सॉल्वेंट आता है, सॉल्वेंट के साथ में आप पेस्ट करके इसको इमीडिएटली इंस्टॉल कर सकते हैं। क्विक यूज टू है, मतलब आप अगर बिल्डिंग में कहीं पर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं फायर फाइटिंग के लिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं 12 बार प्रेशर तक ये प्रेशर को बियर करता है। लेकिन अगर आप बात करें बिल्डिंग में, कंपनी ने एक लो नॉइस पाइप भी बनाया है बिल्डिंग के लिए, जो भी हमारा सीवरेज सिस्टम डलता है उसमें हम लोग जो सीवरेज के पानी के फ्लो की आवाज़ सुनते हैं साउंड को, उसको रिप्लेस किया है। ये लो नॉइस पाइप है, इसमें पानी का जो हिट है वो सामने शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है। जो भी हमारे पाइप की वॉल थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा रहती है कि पानी हमारा कभी भी बाहर की तरफ आवाज़ नहीं आती है। आप वॉल सीलिंग के अंडर लगा सकते हैं, इसे ओपन डक्ट में लगा सकते हैं। तो प्रीमियम प्रोजेक्ट जो हैं होटल, हॉस्पिटल या हाई राइज प्रोजेक्ट, उसमें ये सारा यूज़ किया जा सकता है। इसमें हमने मिनरल्स ऐड किए हैं पीवीसी मटेरियल में, जिसकी वजह से जो इस पाइप की डैम्पनेस है वो ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से साउंड बाहर नहीं आता है। लेकिन हमने एक इंसुलेटेड टैंक भी बनाया है, इंसुलेशन का आप टैंक देखेंगे 4 लेयर एज वेल एज 5 लेयर में हमने थर्मल इंसुलेटेड टैंक बनाई है। थर्मल इंसुलेटेड टैंक का मतलब ये है कि 4 लेयर में हमने एक पफ की इंसुलेशन कर रखी है फोम की, जिसकी सैंडविचिंग कर रखी है हमने वॉल में, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वाटर का वो मेंटेन रहता है। अगर सुबह किसी ने फ्रेश वाटर स्टोर किया है तो गर्मियों में भी वो पानी जल्दी गर्म नहीं होता है और 10-12 degrees का डिफरेंस मेंटेन करके रखता है 4 लेयर में। लेकिन एक प्रीमियम क्लास का और टैंक बनाया है 5 लेयर का वेदर शील्ड करके, वो 15-20 degrees टेम्परेचर डिफरेंस करके रखता है, जिसकी वजह से गर्मियों में या सर्दियों में वो पानी बहुत जल्दी टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं देता है। आजकल ये वर्जिन मटेरियल फ्रेश मटेरियल से बनाए गए हैं जिसमें एंटी बैक्टीरियल है, ये टैंक किसी भी तरह से पानी को ख़राब नहीं होने देते, बैक्टीरिया जनरेट नहीं होने देते, फ्रेश वर्जिन मटेरियल के साथ में डेवलप किया गया है। 4 लेयर टैंक 5 लेयर टैंक एज वेल एज 3 लेयर टैंक। सर जैसे आपने इतनी अच्छी अच्छी इसमें खूबियां बताई हैं कि जैसे कि पानी में लेयर नहीं बनती है और भी बहुत कुछ बताया, तो इसके जो प्राइस है रीजनेबल प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस इसने कंपनी ने रखे हैं? ये बहुत रीजनेबल प्राइस है। आज की डेट में आप देख रहे हैं लोग इन टैंक्स के ना होने की वजह से SS के स्टेनलेस स्टील के टैंक की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन आज वो इतना महंगा टैंक है जिसकी वजह से लोग उसे नॉर्मल एवरेज पर्सन लगा नहीं सकता है। उससे कम से कम 70% लेस कॉस्ट में कंपनी प्लास्टिक का बना के दे रही है आपके 4 लेयर एज वेल एज 5 लेयर में, जिसको मार्केट में नॉर्मल यूजर जो हमारा एवरेज मिडिल क्लास कस्टमर है वो भी इसको लगा सकता है और अपने वाटर को अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता है। कई बार होता है लोग ना सिमटेड बना देते हैं क्योंकि पानी गर्म वगैरह हो जाता है, अगर 2-4 घंटे धूप ज़्यादा पड़ जाए तो जो टंकी होती है वो गर्म हो जाती है और पानी गर्म हो जाता है। कई बार सिमटेड आप ही ये आपके जो सीमेंटेड टैंक्स हैं उसमें वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, वो उसकी लाइफ 20-22 years होती है। लेकिन ये जो टैंक्स हैं इसकी लाइफ 50-60 years तक की रहती है। अगर आप पानी स्टोर भी कर रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह का वाटर प्रूफिंग की दिक्कत नहीं है। ये पानी स्टोर किया तो इसमें लीकेज के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं, उसमें लीकेज के चांसेस हो सकते हैं। उसको सर्कुलर नहीं बना सकते बहुत ईजिली, क्योंकि सर्कुलर में बनाने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट लगती है और मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में भी कॉस्ट लगती है। जबकि एक सिंपल सा उसका रिप्लेसमेंट एक टैंक आ चुका है मार्केट में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लाइट वेटेड है, प्लम्बर्स के लिए एंटी बैक्टीरियल है और घरों में बहुत ईजिली इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। आज पहला दिन है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं और लोग तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यूरीज भी आए, आर्किटेक्ट्स भी आ रही है, कंसल्टेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। टाइमिंग 10-6 से रखा हुआ है, 10 AM से लेकर 6 PM तक। मैं कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आप सुप्रीम काउंटर पे आएं, अपने घरों के लिए नए से नया प्रोडक्ट यहाँ पर समझ कर जाएं, क्योंकि आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं वो केवल और केवल सुप्रीम बना रहा है और पीपल हु नो प्लास्टिक्स, दिस इज़ द टैग लाइन ऑफ द दिस इज़ ओनली द डेमो। लेकिन आपको सेल्स करने के लिए हम शॉप्स वगैरह का DPS काउंटर है हमारा लुधियाना में, उसका हम लोग एड्रेस वगैरह शेयर कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए तो आप बहुत ईजिली जा सकते हैं वहाँ पर, डेमो वगैरह देख सकते हैं। हाँ जी सर, की नाम है? मेरा नाम जी अंतरप्रीत सिंह है एंड मेरी आर्किटेक्ट की फर्म है प्लेशियल डिज़ाइन, तो अमृतसर बेस्ड फर्म है एंड पूरा असी नॉर्थ इंडिया से कम करते हैं एंड सो वी आर हेयर टू एक्सप्लोर द इनिशिएटिव बाय ग्रैंड स्टैंड
तो इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि सारे ब्रांड्स भी एक जगह कलेक्ट किया एंड पोस्ट कोविड जो भी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने सारा एग्जिबिट किया किस तरह के मटीरियल्स एंड इनोवेशन जो थ्रू आउट द कंट्री चलती भी हैं वो बड़ा प्रॉपरली इन्होंने अपना एग्जिबिट किया इतने एंड हेयर इतने मैं एज ए जज आया सो असी इन्होंने सारे स्टॉल्स स्टडी करना और डिजाइन एस्थेटिक्स तो जो भी इन्होंने प्रेजेंटेशन है उन्होंने देख के असी इन्होंने हिसाब न रेटिंग करके किस तरह एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इतने बहुत वधिया इन्होंने आई थिंक बहुत एफर्ट्स ने पिछे एंड आई एम थैंक यू टू द ज्यूरी एंड अदर मैंबरस जो ग्रैंड स्टैंड ने मैंने इनवाइट किया इतने एज ए जज सो आई वेरी वेरी मच थैंकफुल टू दैम असं देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे जिस तरह ब्रांड इतने ने लगे हुए हैं ब्रांड बहुत कुछ देखने को मिले तो सू इस बारे जानकारी दे सकते हो इतने देखो तुहाडे कोल विंडोज़ के कुछ ब्रांड्स ने लाइट्स के ब्रांड ने एंड सुप्रीम पाइप्स तुसीं सुनिया होगा काफ़ी फेमस थ्रू आउट द कंट्री एंड उन्होंने कुछ यहोजे मटीरियल्स ने जो नॉर्मल आर्किटेक्ट्स ने डिजाइनर्स नहीं पता लाइक आई कम टू नो कि जड़े सीवरेज नाल रिलेटेड जड़ियाँ प्रॉब्लम्स आदि ने मोस्टली मैं क्योंकि पब्लिक ने ही बेसिकली न्यूज़ में सुनना सो पब्लिक शुड ऑलसो नो कि उन्होंने फस्ट फ्लोर या सैकेंड फ्लोर उपर जो सैप्टिक टैंक्स नहीं उस हौदियाँ बनाते हैं उपर सो इतने काफ़ी ब्रांड्स ने सो बाथरूम फिटिंग्स के ब्रांड्स ने एंड विंडोज़ के ने टाइल्स के ने काफ़ी वरायटी है बहुत इनोवेशन इंडिया में सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर इंडियन ब्रांड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया में भी इस लैवल की इनोवेशन हो रही है एंड आई विल ट्राई टू यूज दीज ब्रांड्स इन आवर प्रोजेक्ट्स एंड आई थिंक इतने देर आर मोर दैन 20 ब्रांड्स जो इतने एग्जीबिट हुए हैं एंड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आई थिंक 50% नवे ब्रांड्स ने 50% जो वेल रनॉल्ड ने एंड आई थिंक 50% नवे ब्रांड्स ने क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड प्राइस रेंज सिंस दे आर इंडियन ब्रांड्स सो आई थिंक प्राइस भी बहुत मिड रेंज सारे सैगमेंट जो सारे मिड सैगमेंट सारे अपना आर्टिकल्स ने एक्सपेक्ट किए हुए सर उन्होंने यही कहा कि आई थिंक 20th एंड 21 फर्स्ट एग्जीबिशन चलनी है सो आई थिंक जी अज अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है कल आई थिंक आई विल इनवाइट होल पंजाब के इतने आओ इनू एक्सप्लोर करो एंड दे मस्ट सी एंड वट इज़ हैपनिंग हेयर इन लुधियाना थैंक यू सो जिमें कि जे इस एक्सीबिशन के बहुत कुछ देखने मिल रहा है जिस तरह इंपोर्टेंट मार्बल है होर भी घर यूज होने वाली जिस तरह की इंटरनल पाइपलाइन है वाटर टैंक बहुत कुछ है सो असी तुहानू अपील करते हैं कि तुसी भी एक बार इस एक्सीबिशन के आओ और 21-22 में दो दिन की एग्जीबिशन है और होर भी वधेरे अपडेट लई जुड़े रहो साडे चैनल जनता एक्शन नाल कैमरा पर्सन मुनीश जी नाल मैं कपिल कत्याल।